ने जो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए जो बात आपके सामने रखी है उसके विरोध में हम आपको ये दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से कुछ अधिकारियों को और सरकार तक ये बात पहुंचे। करके हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी बात रख रहा है, ऐसे में इन दिनों माउंट आबू की राजनीति चारों तरफ से गर्म नजर आ रही। एक तरफ मॉनिटरिंग कमेटी है तो दूसरी तरफ आबू संघर्ष समिति है, दोनों ही आमने सामने नजर आ रहे हैं। इसी मामले को लेकर के आज उपखंड अधिकारियों को आबू संघर्ष समिति ने प्रशासन के समर्थन में ज्ञापन सौंपा है। मेरे साथ यहाँ पर तमाम ये पदाधिकारी जो मौजूद हैं, इनका कहना है कि माउंट आबू विकास की जो बातें हैं वो कैसे रखेंगे। आज के दौर में देखें तो संघर्ष समिति और मॉनिटरिंग कमेटी दोनों आमने सामने हैं, क्या कारण? संघर्ष समिति बनी है माउंट आबू के हित के लिए, नगरा है। मॉनिटरिंग कमेटी बनी है निजी स्वार्थ के लिए। मॉनिटरिंग कमेटी ने 4 दिन पहले एक सोशल मीडिया के माध्यम से जिला कलेक्टर को एक पत्र लिखा था कि उपखंड अधिकारी द्वारा दी गई परमिशनों को निरस्त किया जाए। उस निरस्त का परिणाम यह होता है जिन लोगों ने विपरीत जो में जिनके नुकसान हुए, जिन्होंने अपना काम चालू कर दिया, जो टोकन के लिए लाइन में खड़े हैं, उन सबको बंद हो जाए। इस तरह का इन्होंने पहले भी किया था, कृत्य किया था तत्कालीन उपखंड अधिकारी के टाइम में, जब भी हम जिला कलेक्टर से मिले थे। पब्लिक वो डिमांड करती है जिसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी प्रशासन को सहयोग करती है। क्या रिपेयरिंग में क्या देते हैं? प्लास्टर, फ्लोरिंग, छोटा सा बाथरूम का एडिशन, ऑल्ट्रेशन, बड़ा निर्माण की तो आज तक दी नहीं है। फिर तुम पत्र दिखते हो जिला कलेक्टर के माध्यम से, क्या उपखंड अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं? क्या मनमानी की है? आज भी रिकॉर्ड उठा के देख लो, उन्होंने कितनों को परमिशन दी है। आप चाहते हो कि आपकी उपस्थिति के अंदर वो उनको परमिशन जारी करें? मतलब आप अपना वर्चस्व कायम करने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। जनता ये चाहती है, आबू संघर्ष समिति ये चाहती है, आबू की पब्लिक ये चाहती है कि जो उपखंड अधिकारी के द्वारा, क्योंकि अधिकारी किसी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति नहीं होता, उसके लिए सब सम्मान है, वो उसके बाद जो भी जाता है वो अपने विवेक का काम करता है। हम चाहते हैं कि जनता को राहत मिले। ये कहते हैं हम राहत देते हैं, मुझे बताओ कि इन्होंने जनता की ऐसी कौन सी राहत दी? ऐसा को क्यों बैकडोर से इन्होंने लिखा? अगर लिखते तो ये कहते कि नहीं साहब, आप नए निर्माण की भी स्वीकृति जारी करो, इनको जिनके पास पट्टे नहीं है उनको पट्टे पहले दो। आप ये कहते कि हम सब जनता के आबू के डेवलपमेंट के लिए हमारी ये योजना है। मॉनिटरिंग कमेटी किस लिए बनी? आबू की, आबू के पर्यावरण की रक्षा करने के लिए। आबू के पर्यावरण की रक्षा की आड़ के अंदर आप कहते हो कि हम तो आबू के मालिक बन जाए, आप मालिक नहीं हो। प्रवीण जी मेरे साथ है। प्रवीण जी, ऐसा कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर एक मैसेज चल रहा है कि आबू संघर्ष समिति होटल एसोसिएशन या होटेलियर्स के लिए काम कर रही है, क्या मानते हैं इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल ये झूठी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं। हम तो जनता के लिए लड़ रहे हैं और पहले से जनता के लिए लड़ते आए हैं। ये तो कल एक पत्रकार बंधु ने ये लिख दिया था कि ये बीजेपी वाले हैं और बीजेपी वाले होटल वालों की बात कर रही है। हम तो अमीर गरीब सभी के लिए बात कर रहे हैं। फिर ये जो कुछ लोग बता रहे हैं कि भाई इनको परमिशन नहीं मिली, तो अधिकारी तो डॉक्यूमेंट या पेपर देख के किसी को परमिशन जारी करेगा। अब ये लोग सोचते हैं कि किसी ने झोपड़ा बना दिया उसको परमिशन दे दे, तो वो तो अधिकारी थोड़ी गलत तो करेगा नहीं अधिकारी, और पर्यावरण खराब तो फिर ये लोग करा रहे हैं कि वो उनको परमिशन दिला रहे हैं। ऐसे लोगों को बड़े बड़े पहाड़ ये इन्होंने बिकवा दिए, सब कुछ कर दिया, और अब उसके ऊपर इनको चाहिए परमिशन, इसलिए ये सब अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं सभी को समान अधिकार से मिले, जिसका डॉक्यूमेंट पूरा हो उसको अधिकारी दे रहा है और पहले भी देता है, अभी भी यही देगा, अधिकारी देगा तो लोगों का काम भी होगा, निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है। अब ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं कि नहीं हम पहले फाइलें देखेंगे, वो चीज गलत है और उसका हम विरोध कर रहे हैं। प्रवीण जी कैसे लड़ेंगे इस तरह का जो माहौल है, पिछले कई दशकों से अपन देख रहे हैं दोनों आमने सामने पक्ष रहते हैं, ऐसे में क्या आपको लगता है कि माउंट आबू की जो समस्याएं हैं वो सुलझेगी? भाई साहब कमलेश भाई, उसमें बात ऐसी है कि मॉनिटरिंग कमेटी भी आबू के हित के लिए बनाई गई थी और पहले भी आपको ध्यान है 2009 से बनी हुई आ रही है, लोगों को नवे निर्माण की भी परमिशन दी है मॉनिटरिंग कमेटी ने। अगर ये चाहते कि इस बार लोकल आदमी बना था, सब लोगों को बहुत आशाएं थी कि ये अच्छा काम करेंगे, पर इन्होंने आके ही कुछ भी नहीं किया। अगर ये चाहते तो एनओसी इनके हाथ में थी, लोगों को दिलाना, पट्टे दिलाना इनके हाथ में थे। जो ये परमिशन छोटी मोटी दे रहे हैं, ये बड़ी परमिशन भी ये लोग दे सकते थे, ये तो कर रहे नहीं है। बकायदा जो अधिकारी कर रहा है उसको दबाया जा रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि ऐसा तो कोई होने वाला नहीं है। अगर आबू की जनता हमारे साथ में है और अगर इस बार इनको नहीं हटाया गया या बड़ा काम जो हम चाह रहे हैं कि हो और बड़ा आंदोलन भी हम करेंगे, पर इस बार लोगों के लिए कुछ न कुछ हम राहत। प्रवीण जी ऐसा भी कहा जा रहा है कि आप केवल राजपूत समाज और चंद भाजपा के नेता इस पूरे घटनाक्रम में साथ में रहते हैं, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि लोगों के मुंह पे कई बातें हैं। नहीं ये सब देखो डर का माहौल बना रखा है इन लोगों ने, इसलिए लोग बाहर आते नहीं है, सभी लोग डर रहे हैं। हमारे साथ में भील समाज है, अग्रवाल समाज है, राजपूत समाज है, मुस्लिम समाज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस हमारे साथ में है, बीजेपी हमारे साथ में, इसमें ऐसा सब नहीं। ये तो सिर्फ क्या इनकी बात है कि कोई लोग जाए नहीं, बाकी हमारे साथ हर समाज के व्यक्ति जुड़ा हुआ है। और अगर फिर भी ये लोग यूं सोचते हैं कि सिर्फ राजपूत समाज कर रहा है तो हम अकेले काफी है इनके लिए। तो देखिए मेरे साथ यहाँ पर आबू संघर्ष समिति के लोग भी हैं, इनसे बात करेंगे। सोशल मीडिया
को प्रभावी तौर पर देखा जाता है, और खास करके इस बार जो आपने जो एक्शन लेने की बात कही है, क्या था पूरा मुद्दा? एक्शन मतलब आप सोशल मीडिया कौन से वाले एक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब अभी जो ये इन्होंने पत्र डाला उसके विषय में? जी पत्र के बारे में कहें या फिर टारगेट करने किसी व्यक्ति को, आपने कहा कि एफआईआर कराएंगे। अच्छा हाँ, एक सोशल मीडिया के माध्यम से आबू की आवाज का एक पेज चलाया जा रहा है। अज्ञात व्यक्ति, अनजान व्यक्ति किसी के विषय में कुछ भी लिख देगा, उसके खिलाफ हम आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराएंगे और मतलब हर संभव उसको कानूनी प्रयास करके उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। देखिए ये थे तमाम वे लोग जो आबू संघर्ष समिति से जुड़े हुए हैं। इनका कहना है कि आबू हित की जो बात करेगा वो हमारे साथ होगा। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि आप मॉनिटरिंग कमेटी और आबू संघर्ष समिति दोनों आमने सामने कितने समय तक रहते हैं। सहयोगी प्रताप के साथ कमलेश प्रजापति।